रडार का क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले जो जिस रडार के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा फर्स्ट रडार है, बेसिक पल्स रडार। पल्स रडार हमारा होता क्या है? पल्स रडार यूनिट हाई पावर पल्स एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं तथा उसके बाद उसकी इको रिसीव की जाती है। तो पल्स रडार में जो बेसिक फंक्शन हमारे होते हैं, जैसे इसमें एक ट्रिगर सोर्स होगा, उससे सिग्नल हमारा मॉड्यूलेटर को दिया जाएगा, फिर हमारे एटीआर स्विच होंगे, टीआर स्विच होंगे, इसमें मिक्सर्स होंगे, आईएफ एम्पलीफायर्स लगाएंगे, डिटेक्टर यूज करते हैं, वीडियो एम्पलीफायर यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं, और हम लोग डुप्लेक्सर एंटीने के थ्रू जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और उसके इको पल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो एक पल्स रडार में जो हमारा सिग्नल होगा वो हमारा क्या होगा कि हाई पावर पल्स एनर्जी। इसको हम लोग पल्स रडार इसलिए कहते हैं कि इसमें हाई पावर की पल्स एनर्जी हमारी क्या होती है, ट्रांसमिट की जाती है तथा उसके बाद इको सिग्नल हम लोग क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। तो इसका एक बेसिक नॉर्मल ब्लॉक है, उस ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ब्लॉक में जो फर्स्ट ब्लॉक हमारा होगा वो हमारा होगा ट्रिगर सोर्स। ट्रिगर सोर्स से हम लोग पल्स को देते हैं एक मॉड्यूलेटर को, उसके बाद मॉड्यूलेटर के बाद जो हमारा सिग्नल होता है वो हमारा जाता है एटीआर स्विच हमारा होता है, उसके बाद एटीआर स्विच से हम लोग सिग्नल को देते हैं एक होता है हमारा टीआर स्विच। तो सिग्नल ऐसे चलेंगे हमारे इस तरह से। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है डुप्लेक्सर एंटीना हमारा लगा होता है, फिर उस एंटीने में सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं इस स्विच के थ्रू। तो सिग्नल हमारा ये हमारा होता है रोटेटिंग एंटीना, आर स्कैनर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां से सिग्नल हमारा क्या होगा, इस तरह से ट्रांसमिट होंगे। तो ये जो सिग्नल हमारा जाएगा ये हमारा होगा आरएफ पल्स, और फिर जब सिग्नल हमारे रिटर्न होते हैं वो हमारे सिग्नल क्या होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आरएफ इको पल्स। अब इसके बाद इस टीआर स्विच से हम लोग क्या करते हैं कि सिग्नल को एक देते हैं मिक्सर को, मिक्सर में सिग्नल आएगा। मिक्सर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक मॉड्यूलेशन प्रक्रिया फॉलो करने के लिए यहाँ पे यूज होता है लोकल ऑक्सीलेटर। लोकल ऑक्सीलेटर सिग्नल दे देते हैं, फिर हमारा क्या होता है इसके बाद आईएफ एम्पलीफायर, फिर ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में सिग्नल आता है, फिर हमारा सिग्नल कहाँ जाएगा नेक्स्ट डिटेक्टर को। डिटेक्टर के बाद जो सिग्नल हमारा होगा वो जाएगा फिर वीडियो एम्पलीफायर में सिग्नल जाता है, फिर हमारा क्या होता है एक इंडिकेटर लगा होता है यहाँ पे इंडिकेटर में सिग्नल जाएगा। इस ट्रिगर से हम लोग इंडिकेटर में भी एक सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जैसे इसमें बेसिक जो पल्स रडार सेट हमारा है, जो इसका ब्लॉक है, इसमें सोर्स ट्रिगर मॉड्यूलेटर के लिए एक पल्स प्रदान करता है। ये जो हमारा मॉड्यूलेटर को जो पल्स हमारी जाती है ये हमारी क्या होती है, ये एक आयताकार वोल्टेज पल्स होती है।
इसके बाद इसके बीच में हम लोग एक मैगनट्रान की ट्यूब भी यूज कर सकते हैं। मैगनट्रान ट्यूब एक हमारी होती है जो एम्पलीफायर की तरह काम करती है। उसके बाद सिग्नल को हम को क्या करते हैं, मैगनट्रान के थ्रू उच्च फ्रिक्वेंसी की पतली और हाई पावर की पल्स हम लोग क्या करते हैं उससे उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करने के बाद उसको हम लोग एटीआर स्विच में देते हैं, जो हमारा होता है एटीआर का फुल फॉर्म होता है एंटी ट्रांसमिट रिसीव स्विच, तथा दूसरा हमारा होता है ट्रांसमिट रिसीव स्विच। तो जो ये हमारे एटीआर स्विच और जो टीआर स्विच होते हैं, ये हमारे डिपेंड करते हैं कि जो हमारा सिग्नल है या जो ऊर्जा हमारी ट्रांसमिट की जा रही है उसके थ्रू हमारे स्विच क्या होते हैं, ये ऑपरेट होते हैं। उसके बाद जो हमारे ये स्विच हैं ये वर्क कैसे करते हैं, जब सिग्नल इसमें पहुंचता है तो जैसे ट्रांसमिशन के समय जो हमारा एटीआर स्विच है वो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, तथा यह एक शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। जो हमारा ये एटीआर स्विच है ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है एवं पल्सों को पास कर देता है। ट्रांसमिशन के दौरान टीआर स्विच के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जो हमारा ये टीआर स्विच है इसके दो मेन काम होते हैं। पहला कि यह ट्रांसमीटर को एंटीना के थ्रू जोड़ता है जिससे उच्च पावर हमारी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। दूसरा यह ट्रांसमिशन के समय रिसीवर एंटीना को ट्रांसमिशन के समय रिसीवर एंटीना तथा ट्रांसमीटर से अलग डिसकनेक्ट कर देता है। रिसीवर के डिसकनेक्शन का लाभ यह है कि हाई पावर पल्स का कोई भी भाग रिसीवर में नहीं पहुंचता। अन्यथा अगर हाई पावर का पल्स अगर इसमें पहुंचेगा तो जो हमारे रिसीवर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो ये हमारे बेसिक दो कार होते हैं टीआर स्विच के। अब जो टीआर स्विच है, रिसीवर एक तो क्या करता है, रिसीवर को एंटीना से जोड़ देता है तथा ट्रांसमीटर को डिसकनेक्ट कर देता है जिससे कि इको पल्स का कोई भाग, जो हमारा ये इको पल्स है इसका कोई भी भाग ट्रांसमीटर में नहीं पहुंचता, तथा इको पल्स का जो पूरा भाग होता है, ये इको पल्स जो हमारी आएगी यहां से अब इधर ट्रांसमीटर की तरफ नहीं जाएगी, इधर इस साइड की तरफ, अब ये क्या होगी, मिक्सर में चली जाती है, तब मिक्सर में पहुंचेगा। अब जब ये मिक्सर में जाता है तो इधर से हम लोग क्या करते हैं, एक लोकल ऑक्सीलेटर के थ्रू हम लोग एक सिग्नल देते हैं। यहाँ पे हमारा सिग्नल पुनः क्या होता है, मॉड्यूलेट होता है। तो जो ये आईएफ एम्पलीफायर है और ये हमारा जो सिग्नल है, यहाँ पे सुपर हेटराडाइन रेडियो रिसीवर की तरह इसका क्या होता है, व्यवहार होता है। तो यहाँ पे एक नया सिग्नल हमको मिलता है, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, फ्रीक्वेंसी हमारी एक दूसरी फ्रीक्वेंसी, उसका हमें क्या मिल जाता है, डिफरेंस मिल जाता है। जैसे कि हमको पता है कि एक सुपर हेटराडाइन का जो आता है EF5+F out, तो ये डिफरेंस फ्रीक्वेंसी हमारी आती है। तो इस टाइप के हमारे सिग्नल यहाँ पे क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। अब रिसीवर में जो क्रिस्टल डायोड मिक्सर का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हमारी, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी जो काम करती है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इसकी जो रेंज है वो हमारी है 60 MHz पे काम करेगा ये, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्टर को देते हैं। डिटेक्टर क्या करता है, सिग्नल को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद हम वीडियो एम्पलीफायर को दे देते हैं। वीडियो एम्पलीफायर क्या करता है कि इस सिग्नल को, इस सिग्नल जो हमारे ये सिग्नल आ रहे हैं, इन सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, तथा एम्पलीफाई करने के बाद यह हमारा दे दिया जाता है डिस्प्ले डिवाइस को, जहाँ पे हम लोग डिस्प्ले डिवाइस पे कैथोड ट्यूब को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एक बेसिक पल्स रडार है वो वर्क करता है। और इसके हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंस ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक का हमारा अलग अलग वर्क होता है। नॉर्मली अगर सिंपल में कहा जाए तो जो हमारा ट्रिगर सोर्स है, ट्रिगर सोर्स से हम लोग एक पल्स देते हैं, फिर मॉड्यूलेटर में जाता है, सिग्नल मॉड्यूलेट होता है। ये हमारा पूरा ट्रांसमीटर का सेक्टर है। और यहाँ पे हमारे दो स्विच होते हैं, एक हमारा एंटी ट्रांसमीटर स्विच होता है, एक ट्रांसमिशन रिसीविंग स्विच होता है। तो ये जो हमारे स्विच हैं, स्विच के अलग अलग कार्य हैं। और इस तरह से हमारा ये यहाँ से एक पल्स रेडार का प्रोसेस क्या होता है, फॉलो होता है।